ଜେଇଇ ମେନ୍ ନା ଓଜେଇ, ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ହୋଇଛି। 2018 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଜେଇଇ ମେନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ଜେଇଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଜେଇଇ ମେନ୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। वर्तमान स्टांस रे लेट अस लुक एट जेई मेन माने जोटा कि इंडिया रे एग्जामिनेशन होची व्हिच इज बेस ऑफ द इंजीनियरिंग एडमिशन इन द कंट्री तो 12 लाख अराउंड स्टूडेंट्स दोचंती सो ओडिसा रा स्टूडेंट माने प्रिपेयर्ड रहंतु दिस आर ऑल आधार बेस एप्लीकेशन फॉर्म देबा को पड़े लास्ट ईयर भी हेई सारिछि। जेई कर्तृपक्ष को एभली निष्पत्ति को विरोध करिछि ओपेका। जेई मेन जो को राज्य रे पाखापाखी 70% सीट खाली रहुतिबा ओपेका अभिजोग आनिछि। एथिपाई पॉलिसी प्लानिंग बोर्ड मीटिंग रे जेई मेन रे ओडिसा को सामिल न करबा को संघ पक्षरु राज्य सरकार को कहा जायथिला। जदि सरकार जेई मेन करबा को निष्पत्ति नियंती तेबे बाध्य होई ओपेका हाईकोर्ट को द्वारस्थ हेबो बोली कहिछि। वर्तमान पर्यंत जते दिन हेगिलानी किछि स्टेप नियाउ नै तिन आमे अनुरोध करू जे जते शीघ्र क्विकर एटा डिसिजन नवा पई कारण जेई पाखे माने फेर जेई मेन को गले फेर आपनकर समस्तिंग असुविधा होजे। जेई मेन को जीवा द्वारा हमर वैकेंसी पोजीशन पाखापाखी 50% आसिक 70% अधिक हालाणी तो आम अनुरोध करुचु जे आउ थरे रिपीट करुचु जे जेई मेन को न जाय कि ओडिसा जेई हो। खूब शीघ्र इंजीनियरिंग पई आरंभ हेबो आवेदन प्रक्रिया। पुरी रु अक्षय मिश्र, भुवनेश्वर रु कैमरामैन राम प्रसाद को सह निरुपमा बेहरा, ईटीवी न्यूज़।